नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन आज 10 बड़ी खबरों से पहले आपको कॉटन की जो अहम खबर है वो आपको बता देते हैं, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा साहब भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपने उत्पादन का 2021-22 सीजन के लिए नया अनुमान जारी किया है और 12 लाख गांठ पुराने अनुमान से कम कर दिया, क्या वजह रही है सर इसकी? जी, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। सीआई की क्रॉप कमेटी ने जो परसों मीटिंग हुई थी उसमें 12 लाख बेल्स करीबन कम किया है, जो कि टोटल क्रॉप का 3-4% है, और ये जो 2-3-4% है कम होना ज्यादा होना, वो फर्स्ट एस्टिमेशन से ये सेकंड एस्टिमेशन था, तो वो नेचुरल है। और अब जब नेक्स्ट मीटिंग अराउंड 15 फरवरी को होगी, तब तक हमारे पास 31 जनवरी तक के अराइवल के फिगर्स आ जाएंगे। तो अगर हमें 31 जनवरी तक 185-190 लाख बेल्स अराइवल हो जाती है, तो क्रॉप का और सही अंदाजा 15 फरवरी के करीबन आएगा। जी विष्णु मोहन जी। गनात्रा साहब, आपका लंबा अनुभव है, अब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, तो क्या, क्योंकि बाजार के कई सारे कॉटन एक्सपर्ट जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उन लोगों से बात होती है, तो उनका कहना है कि 335 लाख गांठ के आसपास उत्पादन रह सकता है। क्या आगे चलकर सीआई भी उत्पादन अनुमान और कम कर सकता है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, अभी हमारा अनुमान है 348 लाख बेल्स, तो जो आपने बोला 330, बड़े क्रॉप में 5-10 लाख बेल्स कम हो जाना और ज्यादा हो जाना कोई वो नहीं है। और जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास जनवरी के जो अराइवल के डेटा आएंगे वो 15 फरवरी तक आएंगे, तो नेक्स्ट मीटिंग में हमारे को क्रॉप का करेक्ट आइडिया आएगा। अगर अराइवल जो दिसंबर तक अराइवल हुई है वो 140 लाख बेल्स की अराइवल हुई है, तो वो कोई कम नहीं है, क्योंकि 10 साल की एवरेज हमने निकाली हमारे रिकॉर्ड से, तो 120 लाख बेल्स का अराइवल होता है 31 दिसंबर तक, और इस साल हो गया है 140 लाख बेल्स, तो हम 20 लाख बेल आगे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि क्रॉप बहुत छोटा होगा। 340 और 350 के बीच में क्रॉप हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि अब इतना एग्जैक्ट अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने एक एस्टिमेट दे दिया है और आपको भी लगता है कि 340 से 350 लाख गांठ के आसपास रह सकता है। सर, आप बता रहे कि नवंबर दिसंबर के अब तक अराइवल अच्छे हैं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर क्या नंबर्स है? क्या एक्सपोर्ट अपने यहाँ से हो रहा है घरेलू कॉटन का, या एक्सपोर्ट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि दाम इतने ज़्यादा है, प्रीमियम पर है, तो वहाँ डिमांड उस तरह की नहीं है, और इंपोर्ट किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं? जी, हमारा जो सीआई की क्रॉप कमेटी का एक्सपोर्ट का एस्टिमेशन है वो 48 लाख बेल्स का हमने नवंबर में रखा था, और हमने अभी भी लास्ट मीटिंग में भी सेम रखा है, और अप टू 31 दिसंबर करीबन 18-19 लाख बेल्स का शिपमेंट हो चुका है, और हमें ऐसा मार्केट से न्यूज आ रहा है कि अभी भी एक्सपोर्ट में, जैसे आजू बाजू में हमारी कंट्री है जैसे बांग्लादेश वगैरह है, वहाँ रेगुलर रोज 15-20 हजार गांठ का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जनवरी महीने में भी 5-6 लाख बेल्स एक्सपोर्ट हो जाएगी, और जो एक्सपोर्ट का टारगेट है 48 लाख बेल्स का सितंबर एंड तक, वो ऐसा लगता है कि वो अचीव हो जाएगा। और रही बात इम्पोर्ट की, तो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर निकाली जाएगी तो इम्पोर्ट बढ़ सकता है, और अगर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं निकाली गई तो इम्पोर्ट जो हमने एस्टिमेट किया है 10-15 लाख बेल्स तक ही सीमित रहेगा। जी विश्व मोहन जी। गनात्रा साहब, अब आखिरी सवाल अब कीमतों को लेकर है, कीमतों को लेकर ये कि अब यूएसडीए ने, जो यूएस का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां भी जो पुराना अनुमान था वो भी लगातार कम कर रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी उत्पादन कम रहने का अनुमान है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है प्राइस किस तरफ जाएंगे आगे चलकर? देखिए, जो यूएसडीए का अनुमान है उन्होंने अभी जो नया लास्ट मीटिंग हुआ था जनवरी के सेकंड वीक में, तब उन्होंने भी इंडिया का जो प्रोडक्शन का फिगर है वो 358 लाख बेल से घटा के 352 लाख बेल किया है, और वो हिसाब से देखते हुए जो क्रॉप थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है,
और सब अभी ज्यादा करके जो व्यापारी है या मिल वाले हैं या एमएनसीज है जो भी ट्रेड कर रहे हैं सब तेजी में है। तो सब तेजी का व्यापार कर रहे हैं, स्टॉक हो रहा है। वो देखते हुए लगता नहीं है कि अभी कोई मंदी अभी आ जावे, ऐसा ही लगता है कि ये थोड़े दिन और तेजी बरकरार रहेगी। जी विश्व मोहन जी, ओके, यानी थोड़े दिन और तेजी का अनुमान गन्नाथरा साहब को भी है। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ईटी नव स्वदेश के लिए। हमारे साथ वंदना भारती और मनोज जी भी है। मनोज जी, एमसीएक्स ने अतिरिक्त मार्जिन जो 3% जो इसी महीने लगाए गए थे, अब उसे बढ़ाकर 6% करने का फैसला किया गया है और नया मार्जिन नियम कल से लागू हो रहा है। ऐसे में अब आपको क्या लग रहा है, अब रियल तेजी दिखेगी या पहले भी इस तरह की जो तेजी थी वो जस्टिफाइड थी कॉटन में और यहाँ पे सप्लाई कम है इस वजह से यहाँ पर तेजी आ रही है? नमस्कार विश्वमोहन जी। जहां तक सेबी और एक्सचेंजेस के जो मार्जिन बढ़ाने का सवाल है, तो ये पूरा बेसिस जो रहता है ये प्राइस वॉलेटिलिटी के हिसाब से रहता है। मतलब जैसे जैसे जो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती या घटती है, तो उसके लिहाज से जो है मार्जिन के निर्णय लिए जाते हैं। जहां तक तेजी का सवाल है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल हम देखें, तो जो बेंचमार्क आइस कॉटन फ्यूचर्स एक्सचेंज है, वहाँ हम मल्टी ईयर हाइस पे जो है ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। 121 सेंट के पार जो है यहाँ पे कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में निकल गई है, और उसी के इनलाइन जो है भारतीय बाजारों में भी कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। कल सीएआई ने भी हमारे जो उत्पादन के अनुमान है वो घटाए हैं, और उससे भी कीमतों को सपोर्ट्स मिलते हुए दिखे हैं। वहीं रुपी में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव है और वो कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात मार्जिन की, तो ये एक जो रूटीन प्रोसेस है, तो ये रेगुलेटर और एक्सचेंजेस का काम है इसको देखने का। लेकिन मेरा मानना है कि अभी वर्तमान में जो तेजी देखने को मिल रही है वो फंडामेंटल्स के इनलाइन है, और यहाँ जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़त देखने को मिल रही है, भारतीय बाजारों में भी उसी के अनुसार जो है यहाँ तेजी बनती हुई दिख रही है। अभी ट्रेंड फर्म बना हुआ है, और जहां तक कॉटन की बात करें तो मेरा मानना है कि 37,500 जो है यहाँ शॉर्ट टर्म में टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी लग रहा है जो ये तेजी है यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से जो तेजी आ रही है। लेकिन अतिरिक्त मार्जिन लगाने के लिए वॉलेटिलिटी की वजह से ये कई संगठनों ने भी मांग की थी, सीमा एकोशिया ऐसे कई सारे संगठन थे जिन्होंने मांग की थी कि ऐसे समय में मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए। वरना जी, कॉटन की कीमतों में तो लगातार तेजी दिख रही है, आज भी करीब करीब 1.5% एमसीएक्स पर ऊपर है, 36,600 रुपये के करीब है। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, कितनी तेजी आपको एमसीएक्स पर दिख रही है अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे प्राइस मूवमेंट है वो इन लाइन विद इंटरनेशनल मार्केट है। पहली बात तो यह है, 140 तक के लेवल से हम 21 में आता हुआ देख चुके हैं सीबॉट में, और यहाँ पे मैं मनोज जी से एग्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि 121 से लेके 122 तक का एक रेजिस्टेंस जो है ये कमोडिटी फेस कर सकती है। तो हमारे पास एमसीएक्स कॉटन की बात करूँ, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट जो है वो और यहाँ पे देख सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर है कहीं ना कहीं उन्हें 37,200 से 37,500 तक के जो लेवल्स हैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए सेफली यहाँ से। और एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे देखने को मिली है विश्व मोहन जी, जो हम लोगों ने बार बार देखा है, 10 साल की जो एवरेज है उससे ऊपर यहाँ पे प्रोडक्शन भी है, प्राइसेस भी इतने हायर साइड है, उसके बावजूद आप देखें तो यहाँ पे लगातार जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पे बनी हुई है। ये एक मेजर फैक्टर है कि इंडियन कॉटन में अभी बहुत ज्यादा जो डाउन साइड है वो नहीं आ रहा। जब तक यहाँ पे जो कहते हैं जो प्रॉपर अराइवल सीजन हिट नहीं करेगा तब तक मुझे लग रहा है कि 37,500 से 37,700 तक का जो अपसाइड है वो ये कमोडिटी देख सकती है, तो उसको टारगेट करके चल सकते हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि अगर करेक्शन लेता भी है तो 34,500 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। ओके, और कॉटन केक में भी हल्की तेजी है, 3,350 के आसपास फिलहाल भाव है। मनोज जी, यहां पर क्या करना चाहिए कॉटन केक में? हमने देखा है पिछले 3-4 सेशन से कमोडिटी एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट कर रही है। 3,250 यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे जब तक भाव 3,250 के ऊपर टिके हुए, शॉर्ट को अवॉइड करना चाहिए। 3,250 के क्लोजिंग स्टॉप से यहाँ लॉन्ग बने रह सकते हैं। 3,400 यहाँ इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर 3,400 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पे फ्रेश जो है बढ़त देखने को मिल सकती है, और 3,580 तक के लक्ष्य भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो 3,250 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस ये कमोडिटी में मेंटेन करें, बाइंग में बने रहे। 3,400 का पहला लक्ष्य होगा, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग बनती है तो फिर वहां लगभग 150 से 180 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है।
ओके, चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्वार गम खास करके काफी तेजी दिखा रही है, 12,300 रुपए के ऊपर चला गया है, आज भी 1.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। मनोज जी, ग्वार में आपका क्या आउटलुक है, क्या व्यू देंगे ग्वार पर? ग्वार सीड में भी मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। लास्ट वीक भी विश्वमोहन जी हमने आप ही के चैनल पर डिस्कस किया था और हमने 6,600 तक के लक्ष्य सुझाए थे। हमने कल यहाँ 6,559 के हाइस जो है फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए देखे हैं। टेक्निकल चार्ट जो है वो यहाँ फॉर्म ट्रेंड दिखा रहा है और जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है, यूएस में ऑयल रिग काउंट जो है वो मार्च 2020 के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचते हुए दिखे हैं। जो दिसंबर महीने में गम की एक्सपोर्ट के जो नंबर्स है वो भी काफी इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो ग्वार में पॉजिटिव ही रहेगा। 6,470 6,500 की रेंज में यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में। 6,650 से 6,700 तक के जो है लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। 6,350 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, जहां पर हल्दी अच्छी तेजी दिखा रहा है, हालांकि जीरा और धनिया आज के सत्र में बेहद ही रेंज में कारोबार कर रहा है। वरना जी, स्पाइसेस में कहां ट्रेड करने की आप सलाह देंगे, हल्दी या जीरा? मुझे लग रहा है कि जीरा में यहाँ पे थोड़ा सा जो बिकवाली है वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं, और प्राइसेस जो है वो करीब 18,355 के करीब अगर आता है तो वहां पे एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। 18,140 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा सकते हैं 18,455 का। और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी और थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव हो सकता है। अगर टर्मरिक की बात करें तो मुझे लग रहा है जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं हम यहाँ 11,500 तक के जो लेवल से वो भी आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कॉटन की तरह ये भी काउंटर ऐसा है जिसमें कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है नंबर्स जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, तो मेरे ख्याल से, और जबकि ये टर्मरिक के कहें तो 50% से ज्यादा हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है अभी जो 2020 या 21 के जो प्राइसेस थे, तो मेरे ख्याल से हायर लेवल्स पे भी यहाँ पे एक्सपोर्ट्स नंबर्स जो है वो अच्छे हैं और ये यहाँ पे प्राइसेस को ऊपर की तरफ ही रखेगा। ओके, यानी लग रहा है कि टर्मरिक तेजी ही बनी रहेगी और नियर टर्म का जो टारगेट है वो है 11,500 का, 11,000 के आसपास अभी चल भी रहा है एनसीडीएक्स का फरवरी का वायदा। वहीं जीरा करंट लेवल के आसपास 11,350 के आसपास आपको बेचने की सलाह वरना जी दे रही है 18,140 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना है जीरे में 18,455 का। चलिए अब कैस्टर की बात कर लेते हैं, जहां पर उत्पादन 3 साल में सबसे कम रहने का अनुमान है, 16 लाख टन से भी इस बार कम रहने उत्पादन हो सकता है, और जो गुजरात में बुआई इस बार कम हुई है उस वजह से उत्पादन कम रहेंगे वंदना जी, लेकिन इस तेजी के बाद जो हाल में तेजी कैस्टर में दिखी है, अब क्या करने की सलाह देंगी आप? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन कुछ कमोडिटी ऐसी हैं एग्री में, चाहे आप कॉटन देख लें या ग्वार देख लें या फिर इसमें आप कैस्टर देख लें, काफी हायर साइड यहाँ पे आया है। मुझे लग रहा है कि आज के मार्केट में क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पे स्ट्रांग है लेकिन वैल्यू बाइंग यहाँ पे थोड़ी सी नहीं बन रही है, कैस्टर में मुझे लग रहा है कि 63-65 के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां पे सेलिंग करना चाहिए, 6300 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 6400 का हम लगा के चल सकते हैं। ये इंट्रा डे के लिए मेरी रणनीति थी, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म या मिड टर्म यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें मैं राय दूंगी कि एक बार 6300 तक के प्राइसेस नीचे की तरफ आते हैं फिर से यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी ओपन हो रही है और वो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कम कर रहे हैं और वहां से डिमांड जो है कैस्टर का वो ज्यादा अच्छा आने की उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस में एक बार हम हायर साइड देख सकते हैं। जो अपसाइड टारगेट होगा कैस्टर में वो 6700 से 6750 का होगा मेरा। ओके, तो ये भी हुए कैस्टर को लेके, और जो ये करंट लेवल के आसपास आपको यहाँ पर बेचने की सलाह वन्ना जी दे रही है 6300 के टारगेट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं, और सबसे पहले बात कच्चे तेल की नॉन एग्री में, जहां पर लगातार तेजी का रुख है, 7 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है, 2018 के अक्टूबर के बाद इस तरह के लेवल्स देखे हैं, हाउती विद्रोहियों का जो हमला हुआ है यूएई में उसके बाद और ये तेजी बढ़ी है, और साथ ही दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन इस बात को लेकर है कि रूस और यूक्रेन को लेकर जो संकट बना है, रूस के सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर जमा हो गए हैं और इससे लग रहा है कि कभी भी संकट गहरा सकता है, इस वजह से लगातार तेजी बनी हुई। दूसरी तरफ इन्वेंट्री को लेकर चिंता है, ओईसीडी कंट्रीज का जो इन्वेंट्री है वो 21 साल में सबसे कम रहने का अनुमान है, इन वजहों से क्रूड में तेजी है। ऐसे में मनोज जी, आपको क्या लगता है कच्चे तेल की तेजी बढ़ेगी और आपको कहां तक जाता दिख रहा है इस ट्रेंड में?
कच्चे तेल में हमने मजबूती देखी है, लेकिन यहाँ पे प्राइजेस जो है थोड़े ओवर स्ट्रेट लग रहे हैं विश मोहन जी, तो वर्तमान लेवल्स पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, और कल जो तेजी के पीछे एक और मुख्य वजह यह रही थी कि जो इराक की एक पाइपलाइन है वहां पे ब्लास्ट हुआ था, जो कि तुर्की के थ्रू या जो है यूरोप को सप्लाई करता है लगभग 4,50,000 बैरल पर डे, तो उसके चलते भी यहाँ कीमतों को सपोर्ट मिला था। लेकिन यहाँ पे हमारा मानना है कि कीमतें अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड हो रही है, तो वर्तमान लेवल पर यहाँ बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा डीप मिले तो वहां बाइंग करें। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 6,300 या 6,250 के जो लेवल्स है वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे, तो वर्तमान लेवल पर बाइंग अवॉइड करें। अगर आज यहाँ एनर्जी कॉम्प्लेक्स में कोई ट्रेड लेना है तो नेचुरल गैस जो है मेरा टॉप जो है काउंटर रहेगा। यहाँ पे 318 के लेवल पे बाइंग की जा सकती है 312 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 330 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। तो आज यहाँ कच्चे तेल में बाइंग जो है वर्तमान लेवल पे अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल गैस में यहाँ लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, यानी मनोज जी की तरफ से लग रहा है कि काफी स्ट्रेच हो चुकी है तेजी, और यहां पर रिस्की हो जाता है डे ट्रेडर के लिए, एक दो दिन के ट्रेडिंग के लिहाज से, तो आप यहां पर क्रूड की बजाय नेचुरल गैस यहां पर खरीद कर जा सकते हैं। वंदना जी, आपका क्रूड को लेकर क्या आउटलुक है, क्रूड पर आज आप ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगी? विश्वमान जी, मैं सिमिलर व्यू रखती हूँ मनोज जी से। मुझे लग रहा है कि रैली ओवर स्ट्रेच्ड है और स्केरी हो गई है अब, और यहाँ पे जैसे ही ये जो इराक और टर्की के बीच में जो पाइपलाइन का जो इशू आया है, जो ब्लास्ट हुआ है, ये प्रोडक्शन जैसे ही रिज्यूम होगा सप्लाई, वैसे ही यहाँ पे कम से कम $2 तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे आनी चाहिए क्रूड में। और भारतीय बाजार की बात करूँ तो मुझे लग रहा है 6,250 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि बाकी देखिए कि ये विंटर्स भी हैं और उसका डिमांड की वजह से जो डाउनसाइड है वो कैप रहेगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स में एक उछाल आता हुआ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 6,250-6,200 एक जोन रहेगा जहाँ पे बाइंग दोबारा की जा सकती है। फिलहाल इस लेवल पे मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगी, रादर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेचुरल गैस में बाय करके चलना चाहिए। ये कमोडिटी में हम लोगों ने करेक्शन आता हुआ देखा था और क्रूड के साथ यहाँ पे भी एक अपसाइड देखने को मिलेगा, तो मेरे ख्याल से 324 के लेवल पे यहाँ पे नेचुरल गैस को बाय करना चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है मेरा, मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर की तरफ 338 तक यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा इस पोजिशनल व्यू के लिए 318 का। ओके, तो ये व्यू है, और हालांकि नेचुरल गैस को लेकर दोनों ही जानकारों को लगता है कि नेचुरल गैस एक बेहतर मौका है, और एनजी खरीदारी की सलाह 338 रुपए के टारगेट के लिए से वंदना जी ने सलाह दिया है, और मनोज जी का जो टारगेट है वो है 330 का। यानी दोनों ही जानकारों को लगता है कि नेचुरल गैस आप खरीद ले, यहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं, जहाँ बेहद ही रेंज में कारोबार हो रहा है, 47,950 के आसपास MCX पर है करेंट भाव के आसपास। मनोज जी, क्या करे ट्रेडर आज? मैं गत सप्ताह का जो डिस्कशन है वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमने बताया था कि सोना जो है 48,000 और चांदी यहाँ 63,000 जो है अगले 4 से 5 सेशन में कर सकती है, और हमने लगभग दोनों ही लेवल्स कल यहाँ MCX पर आते हुए देखे हैं। अभी भी यहाँ बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में बढ़त है, बावजूद उसके सोने और चांदी की कीमतें सस्टेन हो रही है, क्योंकि जो कच्चे तेल में बढ़त आई है उसके चलते यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लेशन की चिंताएं अभी भी बरकरार है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे सोने और चांदी में पॉजिटिव मूवमेंट बना रहेगा, इसलिए मैं गोल्ड और सिल्वर के बजाय यहाँ MCX बुलडेक्स में जो है बाइंग करना प्रेफर करूंगा 14,150 के लेवल के ऊपर। 14,070 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 14,280 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। ओके ओके, तो यानी बुलडेक्स आपको कम रिस्की है और लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा ट्रेड हो सकता है। हालांकि मनोज जी ने 63,000 का टारगेट चांदी में दिया था, मुझे ये याद है, और वो टारगेट अब अचीव होता दिख रहा है। बुलडेक्स आज उनकी सलाह है 14,150 के लेवल पे खरीद ले, स्टॉप लॉस 14,070 का लगा ले, टारगेट 14,280। वंदना जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ट्रेडिंग ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगी, आज के लिए किस तरह ट्रेड करें वो? थोड़ा सा डाइसी यहाँ पे व्यू है मेरा विश्वमान जी, रीजन भी है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में बढ़त के बावजूद गोल्ड में यहाँ पे हायर साइड आया है। देखा जाए तो वहां पे 3-4 दिनों से डाउनसाइड का मूव है हमारे यहाँ, करेंसी में जो डिप्रिशिएशन हुआ है करीब 50-60 पैसे का, उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर के जो रेशियो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकते हैं। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 47,925 के करीब सेलिंग करनी चाहिए, 47,750 का टारगेट रखना होगा, 48,050 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और सिल्वर में
मेरा एक बुलिश व्यू है, मुझे भी 63,000 का लग रहा था कि लेवल्स यहाँ पे आ जाएंगे इजिली और वो आ चुके हैं। यहाँ पे मैं फिर से बाइंग सजेस्ट करना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि 63,000 के लेवल पे फिर से बाइंग करनी चाहिए, एक ब्रेकआउट है ये, यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 63,500 का, स्टॉप लॉस हम लगा के चलेंगे यहाँ पे 62,800 का। ओके, यानी गोल्ड बेचे, हालांकि रेंज में है तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा, इस रेंज का फायदा उठाइए, ऊपर रेंज की तरफ है तो इनको लगता है कि 47,925 के आसपास बेचे, छोटे से टारगेट के लिए 47,750 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे बेचे। और चांदी लेकिन खरीदने की सलाह है 63,000 के लेवल पे, 63,500 रुपए के टारगेट के लिए। मनोज जी, बेस मेटल्स में आज कहां ट्रेड की सलाह देंगे, अगर कोई एक काउंटर चुनना हो पूरे बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 सेशन से कॉपर में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन जो चाइना के एक्सपोर्ट के नंबर्स आए वो काफी अच्छे हैं, तो यहाँ कॉपर में 740 से 742 के रेंजेस में बाइंग की जा सकती है। ऊपर में 751 तक का लक्ष्य यहाँ पे रखें और एक स्टॉप लॉस 734 के नीचे का यहाँ लगाना चाहिए। ओके, तो मनोज जी को कॉपर पसंद आ रहा है, कॉपर इनको लग रहा है कि यहाँ से आप खरीद के जा सकते हैं 740 रुपए के लेवल पे, 734 का स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट है 751 का। वरना जी, निकेल काफी तेज हो चुका है तो मैं निकेल पे रह नहीं जानूंगा, क्योंकि अब रिस्की हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। ऐसे में जिंक और लेड, इन दोनों ही काउंटर पर आपकी सलाह चाहिए, बताइए कैसे ट्रेड करें इन दोनों में? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि निकल में वाकई यहाँ पे करेक्शन पे ही बाय करनी चाहिए। अगर जिंक और लेड की बात है, दोनों ही कमोडिटी में मुझे थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है। चाइना काफी मायने रखता है, 40-50% ट्रेड का यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड वाइड, और वहाँ पे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है और उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम करा है, तो उसकी वजह से भी एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि लेड में कल की गिरावट के बाद एक फिर से बाइंग आनी चाहिए, 187.5 पे बाय करके चलना चाहिए, 189 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 186.75 का लगा के चलना चाहिए। दूसरी कमोडिटी जिंक है, काफी हायर साइड देखने को मिला है, लेकिन ये कमोडिटी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ट्रेड कर सकती है, अगेन 292 के लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, 295 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 290.5 का। ओके, लेड और जिंक, कॉपर मनोज जी की तरफ से और वन्ना जी की तरफ से लेड और जिंक की सलाह है, 187.50 रुपए पे लेड खरीदे, 189 के टारगेट के लिए, 186.75 का स्टॉप लॉस लगा ले, जिंक 292 पे खरीदे, 295 का टारगेट है, 290.5 का स्टॉप लॉस लगा ले। शुक्रिया मनोज जी आपका, वन्ना जी आपका बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल देने के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।